इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद राजेंद्र कुमार और नौशाद अली दोनों किसी और फिल्म में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद जब फिर इस फिल्म पर काम शुरू हुआ, तब राजेंद्र कुमार को पता लगा कि उनके लिए गाना तलत महमूद गा रहे हैं, तो वो उसी रात संगीतकार नौशाद अली के घर भागे। उन्होंने नौशाद अली से कहा कि उनके लिए मोहम्मद रफी के अलावा किसी और गायक से गाना गवाने की बात सोच भी कैसे सकते हैं। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। ये गाना भी रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन मोहम्मद रफी और तलत महमूद की आवाज में गाना रिकॉर्ड होने के बाद अभिनेता मनोज कुमार को लगा कि दिलीप कुमार के सामने उनके ऊपर तलत महमूद की आवाज सूट नहीं करेगी। लिहाजा मनोज कुमार ने दरख्वास्त की कि उनके लिए तलत महमूद की जगह महेंद्र कपूर से गाना गवाया जाए। अब किसे को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था संगीतकार नौशाद अली का और राजेंद्र कुमार की सुपरहिट फिल्म मेरे महबूब का। हमने आपको बताया था कि कैसे संगीतकार नौशाद अली ने इस फिल्म में संगीत देने के लिए 2,25,000 रुपए मांगे थे और कैसे राजेंद्र कुमार ने इस बेहद बढ़ी हुई फीस देने के लिए फिल्म निर्माता को मना लिया था। दोस्तों, हम यहां इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार की और संगीतकार नौशाद अली की, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। इस एपिसोड में आगे बढ़ें इससे पहले ये बता देना ठीक रहेगा कि हर दौर में हर अभिनेता की अपनी अपनी पसंद रही है। कुछ अभिनेता कुछ खास संगीतकारों को पसंद करते थे, वो चाहते थे कि उनकी फिल्म में फला संगीतकार ही संगीत दे। सिंगर्स को लेकर भी अभिनेताओं की अपनी अपनी पसंद और नापसंद थी। अभिनेताओं की तरह संगीतकारों की भी अपनी अपनी पसंद और नापसंद हुआ करती थी। ये संगीतकार कोशिश करते थे कि उनके कंपोज किए हुए गानों को उनकी पसंद का सिंगर ही गाए। अक्सर सिंगर्स का चुनाव गाने की मेरिट पर होता था, लेकिन कई बार इसमें व्यक्तिगत पसंद और नापसंद भी आड़े आ जाती थी। इसके अलावा कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती थी कि संगीतकार को अपनी पसंद नापसंद छोड़ किसी और की बात माननी पड़ती थी। तो आइए अब आ जाते हैं सीधे मूल विषय पर। यह कहानी है राजेंद्र कुमार और संगीतकार नौशाद की फिल्म पालकी की। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। ये गाना है फिल्म पालकी का, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म में गानों को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। दोस्तों, पहले यह तय हुआ था कि इस फिल्म में तलत महमूद गाना गाएंगे। नौशाद अली ने इसके पहले आखिरी बार तलत महबूब से 1950 में आई फिल्म बाबुल में गाने गवाए थे। दिल लगाए ना जमाने ने हसीनों से कोई। बाबुल के बाद नौशाद अली ने लगभग 17-18 साल बाद एक बार फिर 1967 में आई फिल्म पालकी के लिए तलत महमूद को चुना था। इस फिल्म का एक गाना है कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। संगीतकार नौशाद अली ने इस गाने को तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद राजेंद्र कुमार और नौशाद अली दोनों किसी और फिल्म में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद जब फिर इस फिल्म पर काम शुरू हुआ, तब राजेंद्र कुमार को पता लगा कि उनके लिए गाना तलत महमूद गा रहे हैं, तो वो उसी रात संगीतकार नौशाद अली के घर भागे।
उन्होंने नौशाद अली से कहा कि उनके लिए मोहम्मद रफी के अलावा किसी और गायक से गाना गवाने की बात सोच भी कैसे सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने संगीतकार नौशाद अली से आग्रह किया कि कल रात जिंदगी वाले गाने की जिम्मेदारी मोहम्मद रफी को दी जाए। इसके बाद नौशाद अली ने गायक मोहम्मद रफी से बात की और उनसे कहा कि वो ये गाना उनकी आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मोहम्मद रफी इस बात को जानते थे कि इस गाने को तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड किया जा चुका है, इसीलिए उन्होंने नौशाद अली से कहा कि वो इसे तभी रिकॉर्ड कराएंगे अगर गायक तलत महमूद को इस गाने पर कोई आपत्ति ना हो। दोस्तों, अब यह कठिन जिम्मेदारी नौशाद अली पर आ पड़ी कि वो तलत महमूद से इसकी सहमति ले ले। तलत महमूद ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद जो हुआ उसे अब दुनिया जानती है। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं है कि संगीतकार नौशाद अली ने यह परिवर्तन राजेंद्र कुमार के कहने पर किया या गाने की मेरिट पर। वैसे जानकारों का कहना है कि साल 1966 में भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार की बात काट दे। फिर राजेंद्र कुमार के लिए तो नौशाद अली ने 1963 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरे महबूब में यादगार संगीत दिया था। और सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म में संगीत देने के लिए राजेंद्र कुमार ने संगीतकार नौशाद अली को 2,25,000 रुपए की फीस फिल्म निर्माता से दिलवाई थी, जो उस समय तक किसी भी संगीतकार के द्वारा लिए जाने वाली सबसे ज्यादा फीस थी। दोस्तों, अपनी पसंद के सिंगर से गाने गवाने को लेकर ठीक इसी तरह की समस्या संगीतकार नौशाद के साथ एक बार और पेश आई थी। 1968 में आई फिल्म आदमी में मोहम्मद रफी के साथ एक युगल गीत गाने के लिए नौशाद अली ने फिर तलत महमूद को चुना था। यह गाना भी रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन मोहम्मद रफी और तलत महमूद की आवाज में गाना रिकॉर्ड होने के बाद अभिनेता मनोज कुमार को लगा कि दिलीप कुमार के सामने उनके ऊपर तलत महमूद की आवाज सूट नहीं करेगी। लिहाजा मनोज कुमार ने दरख्वास्त की कि उनके लिए तलत महमूद की जगह महेंद्र कपूर से गाना गवाया जाए। जानकारों का मानना है कि संगीतकार नौशाद अली को ये दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन चूंकि फिल्म आधी बन चुकी थी और उनके पूरी होने में देरी से फिल्म निर्माता को आर्थिक नुकसान हो सकता था, इसीलिए संगीतकार नौशाद अली ने अनमने ढंग से गायक बदलने की बात मान ली। आखिर गायक तलत महमूद की सहमति से गाना दोबारा रिकॉर्ड हुआ और इस बार रिकॉर्ड हुआ मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर की आवाज में। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। दोस्तों, ये दोनों वाक्यों को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जान सके कि उस दौर में अभिनेता राजेंद्र कुमार की पसंद क्या थी, और ये भी कि नौशाद अली जैसे टॉप के संगीतकार को भी कैसी कैसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता था। एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। दोस्तों, जहां तक गायक तलत महमूद का सवाल है, उस दौर में बहुत सारे लोग उनके मुरीद थे और जानकारों का मानना है कि जैसे गाने उन्होंने गाए हैं उनका आज तक कोई मुकाबला नहीं है। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि नौशाद अली भी मानते थे कि गजल गायकी में तलत महमूद का कोई जवाब नहीं। दोस्तों, एक बात और, संगीतकार ओपी नैयर ने गायक तलत महमूद से बहुत कम गाने गवाए थे, लेकिन तलत महमूद ने 1958 में आई उनकी फिल्म सोने की चिड़िया के इस युगल गाने को जिस तरह से गाया था उसकी तारीफ ओपी नैयर ने खुले दिल से सबके सामने की थी।
प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी। इस गाने में तलत महमूद का साथ दिया है आशा भोसले ने। इस एपिसोड में आज इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दिल कहीं और चल।